तुर्की और पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने एक और चाल चल दी है। भारत ने ग्रीस के राष्ट्रपति को बुला लिया है। ग्रीस लगातार तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा रहा है। भारत लगातार ग्रीस के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी, देश के विदेश मंत्री जयशंकर, भारतीय जंगी जहाज लगातार ग्रीस पहुंच रहे हैं और अब खुद ग्रीस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आ गए हैं। ग्रीस भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के दोनों दुश्मन तुर्की और पाकिस्तान दोनों के पीछे हाथ धोकर ग्रीस पड़ा है। जमीनी विवाद को लेकर ग्रीस और तुर्की में लंबे समय से विवाद चल रहा है। भारत लगातार ग्रीस में अपने जंगी जहाज भेजकर तुर्की को यह संदेश देता है कि भारत ग्रीस के साथ खड़ा है। वहीं पाकिस्तानियों के खिलाफ ग्रीस की सरकार लगातार कड़े कदम उठाती है। पाकिस्तान को कुछ सबमरीन की बैटरी चाहिए जिसके बाद वो सबमरीन को ऑपरेट कर पाएंगे जो ग्रीस बनाता है, लेकिन ग्रीस ने पाकिस्तान को ये बैटरियां देने से साफ मना कर दिया है। अब ग्रीस को अकेला भारत कैसे देख सकता था? भारत ने भी ग्रीस की तरफ हाथ बढ़ा दिया। क्या भारत का ये कदम आपको अच्छा लगा? जय हिंद, जय भारत।